तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना हीटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन के बारे में। तो आज आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको कैपकट एप्लीकेशन यूज करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें आज डिटेल से पूरा कैपकट एप्लीकेशन के टूल को समझेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। इसके लिए हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे कैपकट मोड एपीके डाउनलोड। तो यहाँ जो आपको दूसरा लिंक दिख रहा होगा, ये वाला, इस पर टाइप कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा डाउनलोड एपीके 157.48 MB का है। तो इस पर टैप कर देंगे और ऐड दिखेगा, इसको कट कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करेंगे तो पहले ही ऑप्शन में दिख जाएगा डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन 8.5.0 का। तो इस पर टैप कर देंगे तो आपका ये एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कैपकट मोड एपीके ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो अपने फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। यहाँ एपीके सेक्शन में ये जो आपका एक फोल्डर दिखेगा एपीके का, इस पर टैप करेंगे और इसमें जो जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो इस पर टैप करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे। कैपकट एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको एक VPN की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना VPN के कैपकट एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ सर्च कर देंगे VPN। VPN सर्च करने के बाद यहाँ आपको ढेर सारा VPN दिख जाएगा, तो इसमें से कोई एक VPN इंस्टॉल कर लेना है। मैं सिक्योर VPN यूज करता हूँ और मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा है। तो आप कोई एक VPN इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद VPN को कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं VPN कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ ओपन पे टैप करेंगे और यहाँ एक ही बार में कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप कर देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा एक ही बार में। तो कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। कैपकट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे टाइप करेंगे, यहाँ से कोई एक वीडियो ऐड कर लेंगे। यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वीडियो ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा हम लोगों को। तो इसमें आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे कि वीडियो का ड्यूरेशन कितना है, कितने सेकंड का हमारा वीडियो है जो हमने ऐड किया है। यहाँ से हम वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं और ये वाला जो दिख रहा है, हम इससे वीडियो में जो भी एडिट करेंगे उसको एक स्टेप पीछे या एक स्टेप आगे कर सकते हैं। इससे एक स्टेप पीछे होगा, इससे एक स्टेप आगे होगा। इस वाले ऑप्शन से हम वीडियो को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे टाइप करके कुछ इस प्रकार से। यहाँ से वीडियो फुल स्क्रीन में दिखेगा और वापस से जैसा था वैसा करना है तो वापस से दोबारा इसी पर टाइप कर देंगे, वापस से वैसा ही हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक जो ऑप्शन दिख रहा है म्यूट का, यहाँ से अगर वीडियो में जो भी अगर सॉन्ग है या कुछ भी है ऑडियो, उसको म्यूट करना है तो यहाँ पे टाइप करके हम म्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पूरा ऑडियो म्यूट हो चुका है, तो अगर म्यूट नहीं करना है तो वापस ऐसे जैसा था वैसा ही रहने देंगे। तो यहाँ नीचे देखते हैं ढेर सारे ऑप्शन हम लोग को दिख रहे होंगे, तो एक एक करके सारे ऑप्शन को समझते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन एडिट का दिख रहा होगा, तो एडिट वाले पे जब टाइप करेंगे तो ये जो वीडियो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और नीचे ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो नीचे देख सकते हैं ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है स्प्लिट का, तो हमें अगर वीडियो में कहीं भी कट लगाना है तो यहाँ पे स्प्लिट पे टाइप करके वीडियो को कट कर सकते हैं। देखिए दो पार्ट में हो गया वीडियो, ये एक पार्ट अलग और दूसरा पार्ट ये वाला अलग। तो दूसरा वाला जो दिख रहा है स्पीड का ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है स्पीड का, इस पर टाइप कर देते हैं। इसमें भी दो ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे पहला ऑप्शन देखते हैं नॉर्मल, तो इससे हम पूरे वीडियो की स्पीड को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। इधर लाएंगे तो स्लो हो जाएगा वीडियो, इधर लेके जाएंगे तो फास्ट हो जाएगा वीडियो। तो जितना चाहिए उतना हम यहाँ से वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, इधर ले जाके स्लो कर सकते हैं। और दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं, तो दूसरा ऑप्शन कर्व का है। तो कर्व में हम पहले देखिए फिट पे सेलेक्ट है, तो यहाँ ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो
पहले कस्टम वाले पे टैप करके देखते हैं। कस्टम में एडिट आ गया ऑप्शन, फिर से दोबारा इसी पे टैप करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कई सारे पॉइंट दिख रहे होंगे। तो यहाँ हम पॉइंट को उठा कर बीच में वीडियो को हम स्पीड अप कर सकते हैं और नीचे करके स्पीड डाउन कर सकते हैं। तो जब वीडियो प्ले होगा तो स्टार्टिंग में देखिए वीडियो फास्ट प्ले होगा, फिर थोड़े पीछे आके स्लो हो जाएगा। ऐसे ऊपर कर देंगे तो फिर से ये फास्ट हो जाएगा, इसको डाउन कर देंगे फिर से स्लो हो जाएगा। तो जब वीडियो प्ले होगा तो फास्ट स्लो इसी प्रकार से वीडियो प्ले होगा। तो अगर आपको ये जैसे वापस से दोबारा जैसा था वैसा करना है तो यहाँ दिख रहे होंगे रीसेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर टैप कर देंगे तो वापस से जैसा था वैसा ही वीडियो हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से अगर कोई बीट और बीट ऐड करना है तो यहाँ ऐड बीट पे ये वाला जहाँ बीट ऐड करना है वहाँ ले जाके छोड़ देंगे और ऐड बीट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ बीट ऐड हो जाएगा। अगर बीट को डिलीट करना है तो उसी पे दोबारा ले जाके डिलीट बीट पे क्लिक कर देंगे, वापस से बीट जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो अगर अब इसको अप्लाई करना है तो यहाँ सही वाले चिन्ह पे टैप कर देंगे। और दूसरा तीसरा जो ये सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये सारे ऑप्शन पहले से ही एडिट वाले ऑप्शन है, मतलब कि हमको वीडियो में अगर स्टार्टिंग में फास्ट रखना है, फिर स्लो रखना है, फिर नॉर्मल रखना है, तो मोंटेज वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर टैप कर देंगे तो सिर्फ स्टार्टिंग में वीडियो फास्ट हो जाएगा, फिर बीच में स्लो हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। हीरो वाले में पहले फास्ट, फिर स्लो, फिर फास्ट, कुछ प्रकार है। अगर इसमें कर्व को देखना है कैसे कर्व है तो उस पर दोबारा टैप कर देंगे, ये कर्व दिख जाएगा हम लोग कैसे कर्व एडिट है। तो कुछ इस प्रकार से एडिट है, देख सकते हैं ऐसे ही सारे कर्व एडिट पहले से ही होते हैं। अगर जैसा आपको चाहिए अप्लाई करके देख सकते हैं आप अपने वीडियो में। तो अगर अप्लाई करना है तो इस पर अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, अगर अप्लाई नहीं करना है तो दोबारा इसमें जाएंगे फिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे, वापस जैसा था वीडियो वैसा ही हो जाएगा और सही वाले निशान पे टैप कर देंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन एनिमेशन का दिख रहा है। तो जब एनिमेशन पे टैप करेंगे तो आपको ढेर सारे एनिमेशन दिखेंगे। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक इन का, एक आउट और एक कॉम्बो का ऑप्शन दिख रहा है। तो एक एक करके देखते हैं। इन वाला ऑप्शन जो है, जब इन वाला एनिमेशन आप अपने वीडियो में लगाएंगे तो ये वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट पे लगता है। जैसे कुछ इस प्रकार से जैसे देख सकते हैं पहला वाला एनिमेशन लगा दिए तो वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट पे लगा है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ नीचे दिया हुआ टाइम कि कितने देर तक एनिमेशन आपके वीडियो के स्टार्टिंग में प्ले होगा, ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, जैसा आप चाहते हैं। जैसे हमने रख दिया 3 सेकंड, तो ये 3 सेकंड तक एनिमेशन प्ले होगा। जैसे तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से एनिमेशन प्ले होगा। इसी प्रकार से अगर आउट वाला एनिमेशन देखते हैं तो आउट वाला एनिमेशन वीडियो के एंड में लगता है। तो वीडियो जब ख़त्म होगा तब कैसे वीडियो ख़त्म होगा, ये लास्ट में एनिमेशन लगेगा। जैसे ये वाला लास्ट में लगा देते हैं, यहाँ देखिए लास्ट में लग गया एनिमेशन। इसको भी आप एडजस्ट करते हैं कितने सेकंड तक ये एनिमेशन रहेगा। यहाँ जैसे 2 सेकंड रख देते हैं तो वीडियो जब लास्ट में ख़त्म होगा कुछ इस प्रकार से। और ये कॉम्बो वाला एनिमेशन है, ये पूरे वीडियो पे लगता है। जैसे कुछ इस प्रकार से स्टार्टिंग में कैसे आएगा, एंड में कैसे जाएगा, भी ख़त्म होगा वीडियो जिस प्रकार से। जैसे कोई एक एनिमेशन इसमें सेट कर देते हैं, पेंडुलम जैसे दिख रहा है, पेंडुलम पर जैसे ये वाला एनिमेशन लगा दें, कुछ इस प्रकार से आए, इस प्रकार से ख़त्म हो जाएगा। अगर एनिमेशन को हटाना है तो दोबारा वीडियो पे टैप करेंगे, एनिमेशन वाले सेक्शन में जाएंगे और जो भी एनिमेशन इन वाला लगाए होंगे तो इन वाला नन कर देंगे, आउट वाला लगाए होंगे आउट वाला नन कर देंगे, कॉम्बो लगाए होंगे तो कॉम्बो वाला इसे नन कर देंगे, तो एनिमेशन को इस प्रकार से हट जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं चौथा ऑप्शन स्टाइल का दिख रहा होगा। तो स्टाइल पर टैप करेंगे, ये इसमें ये वाला जो सब ऑप्शन है स्टाइल का, ये सिर्फ फ़ोटो पे अप्लाई होता है, वीडियो पे नहीं। तो जब फ़ोटो भी ऐड करके दिखा देंगे आप लोगों को, लास्ट में ये वाला ऑप्शन दिखा देंगे। ये जो चौथा ऑप्शन डिलीट का दिख रहा है, इससे हम वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से अगर वीडियो को स्प्लिट कर दें और जैसे ये वाला पार्ट डिलीट करना, तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं चौथा ऑप्शन आप लोगों को कैमरा ट्रैकिंग का दिख रहा होगा। तो इसको समझने के लिए हमें दूसरा वीडियो ऐड करना होगा, तो दूसरा वीडियो ऐड कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दूसरा वीडियो ऐड कर लिया है। वीडियो ऐड करने के बाद कैमरा ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फेस, यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहा है, फेस, बॉडी, हैंड। तो फेस वाले को जैसे ट्रैक करना है फेस को, तो इस फेस वाले पे टैप करके स्टार्ट पे टैप कर देंगे
और ये फेस ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं फेस ट्रैकिंग हो चुका है, तो इस पर सही वाले निशान पर टैप कर देंगे। अब फेस ट्रैकिंग से यह होता है कि अगर वीडियो में पर्सन इधर उधर मूव कर रहा है तो हम उसको बस फ्रेम में रख सकते हैं, बीच में उधर इस फ्रेम से बाहर नहीं जाने देगा वीडियो। यहाँ देख सकते हैं अगला ऑप्शन कटआउट का दिया हुआ है, तो इस पर टैप करेंगे और यहाँ पहले ऑप्शन में दे रखा है रिमूव बैकग्राउंड, तो अगर इस वाले पर टैप कर देंगे तो इस वीडियो का बैकग्राउंड, जैसे इसमें लड़की दौड़ रही है तो इस लड़की के जो आसपास का बैकग्राउंड है ये रिमूव हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। जैसे इस पर टैप कर दिए, बस टैप करके छोड़ देना कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा कुछ इस तरह से। बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, प्ले करके देख सकते हैं आप। और अगर वीडियो बैकग्राउंड नहीं रिमूव करना है तो यहाँ देख सकते हैं टर्न ऑफ कटआउट, तो इस पर टैप कर देंगे बैकग्राउंड वापस से आ जाएगा और इसको सही कर देंगे। कस्टमाइज कटआउट में ये होता है कि अगर आप खुद से कटआउट मतलब कट करना चाहते हैं तो खुद से मतलब जो जितना पार्ट आपको खुद कट करना है वो खुद पेंट करके कट कर सकते हैं, जैसे ये वाला पार्ट चाहिए जैसे लड़की, बस यहाँ से इसे पेंट कर सकते हैं। जिस तरह से जैसे जितना आप पेंट कर देंगे उतना पार्ट कट के रेडी हो जाएगा, जैसे यहाँ से सही कर दिए, देख सकते हैं जितना पार्ट हमने पेंट किया था उतना पार्ट कट चुका है कुछ इस प्रकार से। बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा 100% होने के बाद ये पूरा वीडियो बन के तैयार हो जाएगा, बैकग्राउंड रिमूव हो गए। तो अगर बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना है तो इसको कट कर देंगे, यहाँ पर दोबारा टाइप कर देंगे, बैकग्राउंड नहीं रिमूव होगा, वापस जैसा था वैसे हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं क्रोमा की लिखा हुआ है, तो इसमें जहाँ पे जाके छोड़ देंगे उस कलर का बैकग्राउंड हटा देगा, जैसे ये वाइट वाला है वाइट पे जाके छोड़ दिए, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उतना रिमूव हो जाएगा। तो इस वीडियो में वैसे ऐसे काम नहीं करेगा, तो जैसे जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो होता है उसमें इसका यूज करते हैं। जैसे अभी एक वीडियो है, यहाँ प्लस वाला आइकन बना हुआ है, इस पर टैप करके हम वीडियो को ऐड कर सकते हैं, तो इस पर टैप करेंगे और ग्रीन स्क्रीन का वीडियो ऐड कर लेंगे, जैसे ये हुआ यहाँ किस प्रकार से ग्रीन स्क्रीन का वीडियो ऐड हो चुका है। तो अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इस पर टैप करेंगे, कटआउट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, क्रोमा की पे जाएंगे और इस वाले बीच को वाले जो गोल सा दिख रहा है इसको पकड़ के ग्रीन स्क्रीन पर कर देंगे और छोड़ देंगे। इसके बाद इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अपने से देखेंगे कि जहाँ से ग्रीन दिखना बंद हो जाएगा उतना रखेंगे यहाँ से ये इस। इसके बाद शैडो वाला ऑप्शन है, इसको अगर शैडो चाहिए इसका तो हल्का सा ही शैडो बढ़ा देंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन देख सकते हैं वॉल्यूम का दिख रहा है, वॉल्यूम यहाँ से आप अगर वीडियो का वॉल्यूम तेज करना है, जैसे अगर स्लो लग रहा है आपको अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो यहाँ से आप उसको बढ़ा सकते हैं जितना चाहें। अगर 100% पे होता है आप चाहे 200 कर दीजिए 300 कर दीजिए, जितना आपका मर्जी हो उतना कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ एक्सट्रैक्ट आइडियो का है, तो इस पर टैप करके हम वीडियो के आइडियो को बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो का आइडियो बाहर निकालना है तो एक अलग वीडियो ऐड करते हैं जिसमें आइडियो हो, इसमें आइडियो नहीं है तो इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। जैसे वाला वीडियो ऐड कर लिए, अगर इसमें से आइडियो निकालना है तो आइडियो एक्सट्रैक्ट आइडियो पर क्लिक करेंगे, ये कुछ इस प्रकार आइडियो अलग हो जाएगा, वीडियो अलग हो जाएगा। अगले ऑप्शन में आपको एडिट दिख रहा होगा, एडिट वाले पे टैप करते हैं, तो यहाँ से आप वीडियो को अगर वीडियो को घुमाना है तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं वीडियो को, और यहाँ से आप मिरर वाले ऑप्शन से आप वीडियो की लेफ्ट साइड को राइट साइड, राइट साइड को लेफ्ट साइड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और क्रॉप वाले सेक्शन से आप वीडियो को क्रॉप भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से क्रॉप कर सकते हैं जिस तरह से चाहें। क्रॉप नहीं करना है तो ऐसे ही रहने दें। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन आपको यहाँ फिल्टर का दिख रहा होगा, तो इसे अपने वीडियो पे कोई भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी वीडियो थोड़ा और अट्रैक्टिव लगने लगता है। यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पर आपको ढेर सारे फिल्टर देखने को मिलेंगे, यहाँ से आप जो चाहे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से
आपको जो भी अच्छा लगे अलग से, आप जो भी अच्छा लगे आप वो फिल्टर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ढेर सारे फिल्टर यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से जो चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर नहीं करना है तो यहाँ इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे, जैसा था वैसा हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं तो अगला ऑप्शन एडजस्ट वाला दिख रहा है यहाँ पे, तो एडजस्ट वाले पे टैप करके हम वीडियो को कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट को घटा बढ़ा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से सेचुरेशन को बढ़ा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं। यहाँ से अपने वीडियो में कलर को भी, अगर जैसे कोई पर्टिकुलर कलर को एडिट करना है तो यहाँ से ढेर सारे कलर दिए हुए हैं, तो जो कलर चाहिए वो उसको भी बस आप एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ ग्रीन रखा है, ग्रीन यहाँ से सिचुएशन बढ़ाएंगे तो ये ग्रीन का सिचुएशन बढ़ेगा, ग्रीन का कलर बदलेगा सिर्फ। कुछ इस प्रकार से आप भी अपने वीडियो में कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको या गलत हो गया कुछ तो यहाँ से आप देख सकते हैं, रीसेट वाले ऑप्शन पर टैप करके पूरा रीसेट कर सकते हैं। और अप्लाई टू ऑल, अगर आपने कई वीडियो ऐड कर रखा है और एक वीडियो को एडिट किए हैं, अगर सब वीडियो पे वही अप्लाई करना चाहते हैं जो यहाँ इस वीडियो को जिस इस वीडियो में एडिट किए हैं, तो यहाँ अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सारे वीडियो पे वही एडिट अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन रिटच का दिख रहा होगा, तो इसको यूज करने के लिए हमें ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें फेस दिखे, तो इसके लिए हम वीडियो को ऐड करते हैं। यहाँ प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे और गैलरी से अपने एक वीडियो को ऐड कर लेंगे जिसमें फेस दिख रहा हो, जैसे ये वाला वीडियो ले लेते हैं, इसको ऐड कर लेंगे। अब इस पर टैप करेंगे और जाएंगे रिटच वाले ऑप्शन में, यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं फेस का ऑप्शन आ रहा है, फेस वाले पे टैप करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारा ऑप्शन आ गया है, तो इसमें से आप जैसे स्मूथ पे टैप करके अपने वीडियो में जो फेस है उसको स्मूथ भी कर सकते हैं, स्किन वाले पे क्लिक करके आप अपना स्किन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाला टैप कर दिया तो यहाँ से देख सकते हैं स्किन का कलर भी चेंज हो जाएगा, तो आपको जैसा रखना है वैसा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ यहाँ से इस प्रकार से। फेस को ब्राइटन करना है तो यहाँ से और भी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं फेस का, यहाँ पर टीथ का ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे नाक आँख डार्क सर्किल जो आपके पास दिखता है उसको घटाया बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो चाहिए वो एडिट कर सकते हैं। यहाँ रिशेप वाले ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ रिशेप वाला ऑप्शन था, इस पर टैप करके आप अपने वीडियो में चेहरे का आकार भी बदल सकते हैं। जैसे थिन फेस चाहिए तो यहाँ से आप बढ़ा दीजिए, आपका चेहरा थोड़ा पतला हो जाएगा, आप जैसा चाहें। यहाँ सारे ढेर सारे ऑप्शन दे रखे हैं तो आप एक एक करके एडिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर नोज माउथ आईब्रो ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ मेकअप वाले ऑप्शन में जाके डायरेक्ट उस पर क्लिक करके अपना फेस एडिट कर सकते हैं। जैसे इस पर टैप करके डायरेक्ट ये देखिए आँख में कुछ प्लग में एडिट हुआ है, तो ऐसे करके डायरेक्ट आप एडिट कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो ऐसे नन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ आपको दिख रहा हो रीसेट, अगर जितना भी एडिट किए हैं और उसको रीसेट करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट टैप करके रीसेट कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको मास्क, तो मास्क वाला ऑप्शन ये है कि अगर आपको दो वीडियो एक साथ प्ले हो रहा है, जैसे एक ही वीडियो ये है और एक वीडियो जैसे लेयर में ले लें, अगर एक वीडियो और ऐड कर लें लेयर में, जैसे ये वाला जो वीडियो था इसको लेयर में ले लेते हैं ओवर ले करके, अगर दो वीडियो कुछ इस प्रकार से है, तो अगर आपको दोनों वीडियो आधा आधा करके शो करना है तो यहाँ मास्क वाले ऑप्शन पे जो दिख रहा था अभी, मास्क वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ स्प्लिट वाला ऑप्शन, फिल्म स्ट्रिप, सर्किल, रेक्टेंगल, कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो इस जैसे पहला देखते हैं, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आपका आधा वीडियो इसमें का दिखेगा, आधा वीडियो इसमें का दिखेगा, कुछ इस प्रकार से। अगर आप प्ले करके देखेंगे तो किस प्रकार से आधा वीडियो इधर का चल रहा है, आधा वीडियो उधर का चल रहा है। फिल्म स्ट्रिप पर क्लिक करके आधा वीडियो जैसे बीच में वो दिखा सकते हैं,
आधा वीडियो बीच में दिखेगा, आधा वीडियो साइड में दिखेगा। अगर इसको उल्टा करना चाहते हैं इनवर्ट पर क्लिक करके, यहाँ जो तो दिख रहा है इस पर क्लिक करके उल्टा कर सकते हैं। इस प्रकार से सर्किल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपको सर्किल फॉर्म में ये सब दिखेगा, और ये रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल में दिखेगा। इसको घटा बढ़ा सकते हैं, जितना चाहिए उतना कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। अगर यहाँ से ऐसे ढेर सारे ऑप्शन ये सब पे टाइप करके चेक कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नन पे कर देते हैं और इसको सही कर देते हैं। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, अगले ऑप्शन में क्या दिया, ओवरले। तो अगर आपके पास जैसे एक ये वीडियो है, इस वीडियो को जैसे अगर ओवरले के फॉर्म में लेना है तो एक वीडियो है तो एक वीडियो नहीं होगा, तो आपको अगर जैसे दो वीडियो है जहाँ से ऐड करके बता देते हैं, यहाँ से एक वीडियो और ऐड कर लेते हैं। जैसे ये दो वीडियो होगा, अगर ये वीडियो आपको ओवरले में चाहिए तो इस वाले आप वीडियो पे टाइप करेंगे और ओवरले वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो यहाँ मास्क के बाद दिख रहा है ओवरले, इस पर टाइप कर देंगे तो ये वीडियो नीचे आ जाएगा। और आपको आगे करना है तो इस पर आगे कुछ इस प्रकार से आगे कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ओवरले में चलेगा वीडियो। अगर यहाँ से इस पर टाइप करके और यहाँ से दो उंगली से आप इसके वीडियो के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं किसी प्रकार से, इसको जहाँ पे चाहें वहाँ रख सकते हैं, इधर उधर करके जैसा आप चाहें वहाँ यहाँ एडिट कर सकते हैं। तो अगले ऑप्शन में चलते हैं, अगला ऑप्शन है रिप्लेस। अगर ये वीडियो जैसे आपको नहीं सही है, दूसरा वीडियो लेना चाहते हैं तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस पर टाइप करेंगे और वीडियो रिप्लेस कर लेंगे, इस पर टाइप करके यहाँ से देख सकते हैं वीडियो बदल गया है। कुछ इस प्रकार से आप वीडियो को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, अगले ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगले ऑप्शन में दे रखते हैं आपको यहाँ स्टेबलाइज दिख रहा है, तो स्टेबलाइज पे आप क्लिक करके आप अपने वीडियो में, अगर आपके वीडियो बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा है तो उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा हिलेगा नहीं। यहाँ से आप करके रिकमेंडेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके वीडियो को स्टेबलाइज कर देगा। कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो वापस इसको ऐसे नन पे कर देंगे। यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन दिख रहा होगा ओपेसिटी का। ओपेसिटी से आप वीडियो को हल्का कर सकते हैं, जैसे अगर आपके वीडियो के बैकग्राउंड में कोई और वीडियो चल रहा होगा, जैसे अगर यही वीडियो ओवरले में होता तो अगर इसके ओपेसिटी को घटाते तो वीडियो पीछे वाला वीडियो भी दिखता, ये वाला भी वीडियो दिखता, इसका इसके आर पार मतलब वीडियो भी दिखने लगता अगर ओपेसिटी आप घटा देते इस प्रकार से। और अगला ऑप्शन देखते हैं रेडियस नॉइज़। रेडियस नॉइज़ पे क्लिक करके जैसे आपका वीडियो है उसमें जो ऑडियो है उसमें अगर नॉइज़ ज़्यादा है तो इस पर टाइप करके आप रेडियस नॉइज़ मतलब ऑडियो के नॉइज़ को घटा सकते हैं इस पर टाइप करके कुछ इस प्रकार से, तो आपके वीडियो जो ऑडियो होगा उसका नॉइज़ कम हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगले ऑप्शन में वॉइस इफेक्ट है। तो आपका जो वीडियो में ऑडियो है अगर उसमें वॉइस इफेक्ट डालना चाहते हैं यहाँ से, तो ढेर सारे आपको वॉइस इफेक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप वीडियो के आवाज़ को जैसे हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो के आवाज़ को के स्ट्रेंथ को घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ढेर सारे ऑप्शन दिख रहेंगे तो आप अपने वीडियो में करके देख सकते हैं। और यहाँ कॉपी वाले ऑप्शन पे जैसे आपको यही वीडियो और एक बार चाहिए होगा तो यहाँ कॉपी पे क्लिक कर देंगे तो यही दो वीडियो हो जाएगा। देखिए एक वीडियो ये और एक वीडियो ये दो वीडियो बन हो जाएंगे कॉपी पे टैप करने के बाद। अगला ऑप्शन देख सकते हैं, अगला ऑप्शन आपको ये रिवर्स का दिख रहा होगा। तो रिवर्स का मतलब ये वीडियो जैसे अगर चल रहा है तो उल्टा चलने लगेगा वीडियो, जैसे अगर दूसरा वीडियो एक ऐड करके दिखाते हैं यहाँ से एक टाइप करते हैं, जैसे ये वीडियो है लड़की का तो ये इस वीडियो में लड़की आगे की तरफ दौड़ रही है, तो अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे तो वीडियो उल्टा चलने लगेगा कुछ इस प्रकार से। जैसे रिवर्स कर दिए, रिवर्स पे क्लिक किए, कुछ इस प्रकार से रिवर्स पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से उल्टा वीडियो चलना चालू हो जाएगा इस तरह से। तो और अगले ऑप्शन में देखते हैं, अगले ऑप्शन में क्या है या पेज। अगर आपको जैसे बीच में कहीं वीडियो जैसे ये जैसे वीडियो प्ले हो रहा है
तो अगर आपको बीच में वीडियो को रोक के रखना है, जैसे थोड़ा सा पार्ट ऐसे रुका हो, फिर फ्रीज वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे तो ये बीच में पार्ट एक ऐड हो जाएगा, फ़ोटो उसी का जो होगा वही फ़ोटो की तरह ऐड हो जाएगा। तो जैसे आप प्ले करेंगे, यहाँ हिल रहा है, यहाँ रुक जाएगा, उसके बाद फिर चलना चालू हो जाएगा कार्ड से। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, अगले ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगले ऑप्शन में देख सकते हैं आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। ये ग्राफ वाला ऑप्शन यूज करने के लिए, जैसे आप की फ्रेम यूज, यहाँ देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा की फ्रेम, इसको यूज करते हैं। अगर जैसे यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ टैप कर दिए, एक यहाँ पे टैप कर दिए और दूसरे वाले सेक्शन में ऐसे जूम कर दिए, तो ये कुछ इस प्रकार से जूम हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो जैसे जो फ्रेम की फ्रेम है, अगर जो ये कर्व वाला ऑप्शन है ग्राफ का, इसकी यहाँ से आप इसके बीच में जो जूम हो रहा है, इस जूम के किस तरह से जूम हो, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कस्टम पे टैप किए दोबारा, अब यहाँ जो जूम हो रहा है, आप चाहें स्टार्टिंग में धीरे धीरे जूम हो और लास्ट में जाके थोड़ा फास्ट से जूम हो जाए, तो यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। नीचे कर दीजिए तो यहाँ देख सकते हैं कर्व नीचे थोड़ा धीरे धीरे जूम होगा, लास्ट में जाके एक स्पीड से जूम हो जाएगा। देखिए अगर चाहते हैं कि स्टार्टिंग में फास्ट जूम हो, लास्ट में धीरे धीरे जूम हो, तो इसको इधर कर दीजिए यहाँ से, देखिए लास्ट अब लास्ट में धीरे धीरे जूम होगा। और ये अगर रीसेट करना है तो यहाँ से टैप करके रीसेट कर दीजिए, जैसा था वैसे ही जूम होगा नॉर्मल। और यहाँ पर पहले से ही जैसे आइडियो वाले में सर था कुछ दिया था कि डायरेक्ट उस पर टैप करके वो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा, उसी प्रकार इसमें भी दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे कुछ इस प्रकार से स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो होगा, लास्ट में जाके फास्ट हो जाएगा जूम, इस पर टैप कर देंगे। इसमें देख सकते हैं, इस पर अगर टैप करके देखेंगे, इस यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा फास्ट होगा और लास्ट में नॉर्मल स्पीड पे चलेगा। थर्ड वाले ऑप्शन में देखते हैं, थर्ड वाले ऑप्शन में भी वैसे ही है ऐसे। फोर्थ वाले ऑप्शन में स्टार्टिंग में फास्ट होगा, लास्ट में जाके स्लो हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वीडियो में ऐड कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पहले फास्ट होगा, फिर स्लो होगा, फिर फास्ट होगा यहाँ से। तो आपको जैसा चाहिए वैसे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। और अगर यहाँ जैसे आप अभी की फ्रेम लगाएं, अगर आपको की फ्रेम भी नहीं चाहिए, तो यहाँ की फ्रेम वाले ऑप्शन पे ये वाली लाइन की फ्रेम पे लेके जाएंगे और यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह, इस पर टाइप कर देंगे तो ये की फ्रेम हट जाएगा। इसी प्रकार इस पर भी ऐसे करके टाइप कर देंगे, यहाँ से भी हट जाएगा की फ्रेम। तो अगला ऑप्शन देख लेंगे मोशन ब्लर का, तो इसके लिए एक वीडियो ऐड करते हैं। जैसे ये वीडियो है, अब इस वीडियो में मोशन ब्लर वाले ऑप्शन से हम इसके जो बैकग्राउंड में ये गेहूँ दिख रहे होंगे, तो इसको अगर आपको ब्लर करना है तो यहाँ से आप ब्लर कर सकते हैं, बढ़ा के ब्लर, यहाँ जितना बढ़ाएंगे वो ब्लर हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन अपने हिसाब से बढ़ा के इसको ब्लर कर सकते हैं। यहाँ टैप करेंगे, ये थोड़ी देर प्रोसेस लेगा और उसके बाद बैकग्राउंड में जो बैक ये चल रहा होगा, जो भी मोशन में होगा, वो ब्लर हो जाएगा। जैसे अब यहाँ से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ कुछ इस प्रकार से ब्लर हो जाएगा। पहले कैसे था, पहले कुछ इस प्रकार से था, पहले कुछ इस प्रकार से था, और उसको अप्लाई करने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। तो अगले ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ ये वाला ऑप्शन तो पूरा ख़त्म हो गया है मोशन ब्लर का, तो ये वाला पूरा ऑप्शन ख़त्म हो गया है। तो अगले ऑप्शन में चलते हैं, तो आपको अगला ऑप्शन यहाँ आइडियो का दिख रहा होगा, लेकिन आज हम वीडियो को बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो अगर आपको आइडियो, टेक्स्ट, ओवरले, इफेक्ट, रेशियो, फिल्टर, एडजस्ट, स्टिकर, कैनवास, इन सब के बारे में भी जानना है, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट टू कमेंट कर दीजिए, मैं अगला वीडियो बना दूंगा जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।